डाल दिया, अभी डिक्की खाली है आप देख सकते हो, और इसके बाद अभी इतनी भरने वाली है। चलो ये हमारा गाने का प्रोग्राम होने वाला है वहाँ पे घर पे। हाँ, चलो बड़े बड़े ले लो पहले, आहे ना घेतलेला, ये है अशिकान, ह्या बॅग्स घे, हे घे, ये मिस, ये माझ्या हातात, यांचं ब्लेझर घेशील, माझं जर्किन, हे आणखी सबसे बड़ी बैग, गाइज वेलकम टू माई चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइज आज है भाई की इंगेजमेंट और हम लोग यहाँ से निकले नहीं है अभी तक, मतलब अभी 8 या 8:30 बज रहे होंगे, अभी तक यहाँ से ही नहीं निकले हैं। और मम्मी ने बोला था कि 6 बजे ही घर से निकलना, बट पता नहीं अभी यार क्या होने वाला है। कोई बात नहीं, 12 बजे वो लोग निकलने वाले हैं वहाँ से, तो इसी वजह से हम लोग तब तक तो पहुँच जाएंगे। जो भी मैंने बैग पैक करके रखी थी वो सारा कुछ डिक्की में डाल दिया है, अभी थोड़ी देर में निकलने वाला है, तो मैंने सोचा चलो आपसे बात कर लेती हूँ, फिर डायरेक्ट गाड़ी में बैठने के बाद ही बात करूँगी आपसे। ये लोग सामान की अरेंजमेंट कर रहे हैं, मतलब वहाँ पर डिक्की में जगह नहीं है और सामान इतना ज़्यादा हो गया है कि पूरी डिक्की भर गई है, सामान फिर भी नीचे है ही अभी तक। देखो कितना सारा सामान है यार, उसको डाल दो कुछ भी खाने के लिए। अद्वी बैठो बेटा, माझी बैग, हाँ ही माझी बैग रखो ना उसमें। त्याच्यावरती बसते अंदर घ्या लागते काही लहान सामान है। और वो कपडे सुकाने के लिए डाले थे कल निकाल लो अंदर रख के। हम लोग निकल चुके हैं, अद्विक देखो कैसे बैठा है, अद्विक तो यहाँ से रेडी होके निकला है, वहां पर जाके हम लोगों को, मतलब मुझे और माही को रेडी होना है, उसके पापा भी रेडी हो गए यहाँ से, बट मुझे साड़ी पहननी थी तो इस वजह से मैं वहां पर रेडी होंगी। और बस निकल चुके हैं, अब भी जाना है मुझे ससुराल, मेरी ननद को लेना है वहां से, और फिर जाएंगे हम लोग मेरे मायके में। तो गाइज हम लोग यहाँ पर रुके हैं पेट्रोल डलवाने, ये पेट्रोल डलवा रहे हैं बाहर। तो गाइज बस हम लोग निकलने वाले हैं घर से, और मैं कुछ इस तरह से रेडी हुई हूँ, मैं आपको बाद में दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से रेडी हुई हूँ। ये वाली साड़ी पहनी है, कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। बस सिंपल सी रेडी हुई हूँ, बहुत जल्दी जल्दी किया सब कुछ क्योंकि उधर से आने में ही बहुत ज़्यादा लेट हो गया था हमें, और यहाँ पर आने के बाद नाश्ता वगैरह किया, उसके बाद हम लोग तैयारी में लग गए, तो इस तरह से तैयारी की है। चलिए अभी निकलती हूँ, भगवान के दर्शन कर लेती हूँ, ठीक है।
सब लोग रेडी हो गए थे। यहाँ पर दूल्हा दर्शन कर रहा है भगवान की, और हमारे यहाँ पे ना कोई भी शुभ कार्य करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले भगवान के दर्शन करके ही जाते हैं, और सबसे पहले दूल्हा दर्शन करता है भगवान के, उसके बाद बहन जो होती है उसको टीका वगैरह लगाती है। तो यहाँ पर मेरा काम है, भाई की शादी में बहन जो है वो सबसे मेन कैरेक्टर प्ले करती है। बट मेरे बड़े भाई की जब शादी हुई थी तो बहुत बड़ा किस्सा हो गया था यार, अभी भी हमें जब वो किस्सा याद आता है ना तो हम बहुत ज़्यादा हंसते हैं, और सभी लोगों को वो किस्सा याद ही रह गया है, वो बड़े भाई की शादी वाला। तो यहाँ पर हम लोग रेडी हो चुके हैं मतलब जाने के लिए। दूल्हे ने सिर्फ ये कुर्ता पैजामा पहना है अभी का, वहाँ पर वो लोग जो देंगे वो उसको बाद में पहनना पड़ेगा। एक्चुअली मेरा आवाज़ ठीक नहीं है, आपको थोड़ा सा पता चल ही रहा होगा आवाज़ से, और अभी तक तो आवाज़ भी नहीं निकल रहा था मेरे गले से, बट अभी थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है तो थोड़ी थोड़ी बात कर पा रही हूँ। और आप लोगों के इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे कि व्लॉग अपलोड करो शादी का, एंगेजमेंट का, तो मैंने सोचा चलो आपके साथ फाइनली शेयर कर दी देती हूँ। ये वाला व्लॉग जो है एंगेजमेंट का है, और एंगेजमेंट के दिन बस रेडी होके हम लोग बैठे थे, पहली गाड़ी निकल चुकी थी, उसमें भाभी मम्मी वगैरह सब लोग चले गए थे, बट जो सामान था वो हमें लेके आना था, तो इसी वजह से जो सेकेंड गाड़ी निकलने वाली थी उसमें हम लोग जाने वाले थे। और हाँ, माही कुछ इस तरह से रेडी हुई थी, इसी वजह से मैंने आपको फुल लुक दिखा दिया माही का भी। यहाँ पर राजवीक का ये लुक है, और एंगेजमेंट 2-3 दिन पहले ही थी, तो इसी वजह से एंगेजमेंट के लिए 2 दिन पहले, सॉरी शादी के 2 दिन पहले एंगेजमेंट थी, और उसके बीच में 1 दिन था, तो 1 दिन में हम लोगों ने हल्दी की, और उसके बाद शादी थी, फिर उसके बाद हमारे यहाँ का रिसेप्शन था। तो ये सभी ब्लॉग आपके लिए आने वाले हैं, उसका वेट करना, और बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने, आप भी एंजॉय करोगे ब्लॉग देख के। ये मेरी मासी है, और ये माही, और दुल्ला, पापा श्रीकांत, और ये हम लोग सब रेडी होके सेकेंड गाड़ी निकालने वाले थे। एक्चुअली एंगेजमेंट में ज़्यादा लोग नहीं थे, कोरोना की सिचुएशन की वजह से ना, मतलब ज़्यादा लोगों को हमने बुलाया भी नहीं था, और परमिशन भी नहीं थी ज़्यादा लोगों की, और 2 दिन के बाद ही शादी का मुहूर्त था, तो इसी वजह से घर वाले ही थे एंगेजमेंट में, और ऐसे उसकी शॉर्टकट में ही एंगेजमेंट हुई, मतलब उनके घर वाले और हमारे घर वाले, उनके क्लोज रिश्तेदार और हमारे क्लोज रिश्तेदार, ऐसे हम लोग थे, और इन्हीं कुछ लोगों में उसकी एंगेजमेंट हुई। तो यहाँ पर मेरा जो मासी का बेटा है वो पैर धोता है दुल्हन के, तो वो इसीलिए बैठा है वहाँ पे, मासी का बेटा मतलब देवर पैर धोता है ना, तो इसीलिए आपके साइड में होता है क्या ऐसे, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। दुल्हन के पैर धोता है देवर। आज आपको मैं वही दिखाने वाली हूँ जैसे गाँव साइड में महाराष्ट्र में एंगेजमेंट होती है, वही आज आपको देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर एंगेजमेंट का सेटअप रेडी हो गया था, बस हम लोग बैठे थे, दुल्हन रेडी हो रही थी अंदर इसी वजह से, और हमें जो जो देना था हम लोगों ने यहाँ पर निकाल के रखा था, तो ये सब कुछ हम लोगों ने लाया था। एक्चुअली लॉकडाउन की एंगेजमेंट ही ये हमारे साइड में ऐसे ही होती है, जो भी महाराष्ट्रियन है उन्हें पता होगा, अगर सिचुएशन ये ऐसे कोरोना की नहीं होती तो और भी ज़्यादा अच्छी हो सकती थी, फिर हम लोग ना पहले ही रखते, ऐसे टाइम पर नहीं रखते एंगेजमेंट, तो ये एंगेजमेंट के लिए हम लोगों ने लाया था उसके लिए। तो इस तरह से ये सब कुछ लेके आए थे, ये साड़ी है एंगेजमेंट की उसकी, ये बाद में वो चेंज करेगी, हम लोग जब उसको देंगे ये सब कुछ तो वो चेंज करेंगी, उसके बाद वो चेंज करके जब आएगी तब आप देख लेना। अभी आप सिर्फ दुल्हन से मिल लीजिए, इस व्लॉग में आपको सिर्फ दुल्हन से मिला देती हूँ मैं, क्योंकि अगर एंगेजमेंट का फुल व्लॉग अगर आपके साथ शेयर करती आज तो व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता और आपको देखने में भी मज़ा नहीं आता, तो इसी वजह से मैंने आज शॉर्टकट में ही शेयर किया। बस आप दुल्हन से मिल लीजिए आज, ये है दुल्हन हमारे यहाँ की, मतलब मेरे भाई की होने वाली वाइफ। तो बस इसका ऑक्शन होगा, अभी पैर धोए जाएंगे, एंगेजमेंट उन्होंने उनके घर के सामने ही रखी थी, तो ये उनके घर के सामने का ये कोई हॉल वॉल नहीं था, ये घर के सामने ही एंगेजमेंट हो रही थी, और गाँव साइड में ऐसे ही होता है हमारे यहाँ पर। डिटेल में जब ब्लॉग देखोगे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये जो इसका जो डिटेल ब्लॉग है वो आपके साथ मैं मराठी चैनल पे शेयर करूँ या इसी चैनल पे शेयर करूँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। मैं सोच रही हूँ वो जो डिटेल ब्लॉग है, जैसे कि हमारे साइड में मराठी मतलब कल्चर में कैसी इंगेजमेंट होती है गांव साइड में, तो वो आपको पता चल जाए, तो वो मैं सोच रही हूँ कि मराठी चैनल पर शेयर करूँ, बट आप कमेंट करके ज़रूर बताना आप अगर इंटरेस्टेड हो इस चैनल पर देखने के लिए, तो मैं इस चैनल पर शेयर करूँगी, अदरवाइज़ आप मराठी चैनल पर देख लीजिएगा वो जो डिटेल ब्लॉग है, मतलब इसके बाद का जो व्लॉग है एंगेजमेंट का, जैसे कि कट करना ये सब सारी चीज़ें, वो आपको मराठी चैनल पे देखने के लिए मिलेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस चैनल पे भी शेयर कर सकती हूँ मैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। यहाँ पर ये जो मेरी मासी का बेटा है वो दुल्हन के पैर धोएगा, अब जो जो ब्राह्मण उसे बता रहे हैं,
तो वो उसको करना पड़ेगा यहाँ पे। वैसे ही सेम दूल्हे का भी होगा, दुल्हन का भाई पैर धोएगा, दुल्हन का छोटा भाई जो होता है वो पैर धोता है। उसके बाद मतलब एंगेजमेंट स्टार्ट होती है, जैसे कि रिंग पहनाना ये सब, और जो हम लोगों ने उसके लिए लाया है वो दिया जाएगा उसे। 5 लेडीज़ मिलके उसको ऑक्शन करेगी। ये सारा कुछ आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। मैं सिर्फ आपको अभी दुल्हन दिखा रही हूँ, दुल्हन कैसी है। आप दुल्हन से आज के व्लॉग में मिल लीजिए, उसके बाद आपको सब कुछ दूसरे व्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। बस यहाँ पर अभी दुल्हन का हो रहा है, उसके बाद सेम दूल्हे का होगा। और यहाँ पर अभी दूल्हा बैठ गया है, दूल्हे का सब कुछ वैसे ही होगा सेम, जैसे कि कुमकुम पैर को लगाना या पैर धोना ये सब कुछ उसका होगा। उसके बाद वो दोनों चेंज करके आएंगे। उसके बाद वो चेंज करके आने के बाद जो एंगेजमेंट है, मतलब रियल एंगेजमेंट, वो स्टार्ट होगी। मतलब रिंग पहनाना, केक कट करना और बस सारी चीज़ें वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने के लिए मिलेगी। तो चलिए फिर इसके साथ इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ अच्छे से नए व्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। और ये तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है, तो पिक्चर देखना मत भूलिएगा। और ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको जो डिटेल ब्लॉग है उस चैनल पे देखना है या इस चैनल पे देखना है, मतलब मराठी चैनल पे देखना है या हिंदी चैनल पे देखना है। ये कमेंट का वेट रहेगा आपके। और हाँ, तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मैंने आपके लिए ये ब्लॉग अपलोड किया, तो उसके लिए एक लाइक तो बनता है यार। लाइक ज़रूर कर देना, शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और जो भी मराठी मुझे देख रहा है तो वो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं, उनको भी अच्छा लगेगा देख के अपने मराठी साइड की एंगेजमेंट। और जो मराठी नहीं भी है तो वो भी शेयर कर सकते हैं, मतलब आपके भी फैमिलीज को पता चलेगा कि मराठी कल्चर में कैसी एंगेजमेंट होती है या क्या होता है, तो आप भी शेयर कर दीजिएगा। तो लाइक ज़रूर कर देना, लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल मत करना। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो मतलब मुझे देखते हैं सिर्फ और उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनके लिए बता दूँ कि सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। मतलब आप अगर सब्सक्राइब करोगे तो आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिलेगी मेरे ब्लॉग की और आप उसे सबसे पहले देख पाओगे। और जब भी आप सब्सक्राइब करोगे उसके बाद बेल आइकॉन आएगा, उसको ज़रूर क्लिक करना, उसको ऑल पे क्लिक करना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और आपने अगर मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर दीजिएगा। मतलब ब्लॉग के अलावा जो भी पिक्चर्स वगैरह है वो वहाँ पर मैं शेयर करती रहूँगी, तो वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।